वास्ता है हमसे, चले जाओ। लेकिन अंकल मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अपने माँ बाप की घटिया हरकत पर नमक लगा रही हो। आंटी आप समझाइए ना मैम, बातें सुना के गए थे वो मेरे पापा हैं, जो पेशेंट है वो मेरी भाभी। तुम लोगों के बीच में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हारे परिवार को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? क्योंकि ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं उस वार्ड में जाऊं। अंकल से मेरी पहले दिन ही मुलाकात हो गई थी, इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो किसी अपने दफ्तर के आदमी को इस हॉस्पिटल में देखने आ रहे। क्या तुम दोनों के परिवारों के बीच कुछ झगड़ा है डॉक्टर अमृता? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर मैं अपने पापा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। न जाने उन्होंने गुस्से में आके आपसे आपको क्या क्या नहीं किया। नहीं डॉक्टर नम्रता, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जगह कोई और होता तो ऐसा ही सोचता और ऐसा ही कहता, लेकिन ये अच्छा हुआ कि अब तुम जाकर उन्हें इस बात का एहसास दिला सकते हो कि हम उन डॉक्टरों में से नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। तुमने सरिता का चेकअप किया? अमरनाथ अंकल ने मुझे चेकअप करने ही नहीं दिया, धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं जाकर चेक करता हूं उसे। अमरनाथ, तूने अपनी मर्जी अपनी चाह को अंजाम दे दिया, अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू मेरे स्वरूप को भूलना चाहेगा लेकिन भुला नहीं पाएगा। अमरनाथ में तेरा वो हाल करूंगा कि तू और तेरी दौलत, तेरी इज्जत, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा।